अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन। सो लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने उसी टॉपिक को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर को सारा देखा, स्ट्रक्चर जो है वो एयर पैसेज वे वगैरह, तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसका एक पैराग्राफ हमने कर लिया था, बाकी हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। चलें जी देखते हैं। द नेजल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंक्स। हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास जो है वो नेजल कैविटी है, नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो एयर हमारे अंदर एंटर हो रही है, ठीक है। वहाँ पे हमने हेयर का, म्यूकस का भी काम पढ़ा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं फेरिंक्स की तरफ। फेरिंक्स क्या है? सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा नॉलेज रिकॉल कर लें कि फेरिंक्स क्या है। फेरिंक्स बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये कॉमन रास्ता है जहाँ पे आके हमारी माउथ कैविटी या हमारी नेजल कैविटी जो है वो आकर मिल जाती हैं। वो रास्ता कौन सा है जी? वो फेरिंक्स का है, जहाँ से नेक्स्ट हमारा जो गले वाला पार्ट है वो स्टार्ट होता है। बाय मीन्स ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नोस्ट्रिल्स। ठीक हो गया जी। फेरिंक्स इज़ अ मस्क्यूलर पैसेज एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। ये भी उन्होंने बात क्लियर कर दी जी कि फेरिंक्स जो है ये एक कॉमन रास्ता है किसके लिए? फूड और एयर के लिए। इट एक्सटेंड्स टू द ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस। अच्छा, ये बड़ा कहाँ तक है? ये एसोफेगस तक हमें लेकर जाता है। एसोफेगस इज नॉट ए पार्ट ऑफ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम बट इट्स अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं तो बच्चों फिर हम लोग एसोफेगस को भी पढ़ते हैं। तो ये फेरिंक्स के बाद वाला जो पार्ट है ना, तो वो होता है एसोफेगस वाला। ठीक हो गया। इसके बाद है बच्चों द लेरेंक्स। लेरेंक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, जो हमारा वॉइस कॉर्ड होता है जहाँ से हमारी वॉइस पैदा होती है, जो हम लोग बोलते हैं, जो आवाज़ आ रही है, वो हमें आवाज़ कहाँ से मिल रही है? वो लेरेंक्स से मिल रही है। द एयर गोज फ्रॉम द फेरिंक्स इन टू द लेरेंक्स। एयर जो है वो कहाँ पे जा रही है? फेरिंक्स से लेरिंक्स की तरफ। तो जो आगे है जी, वी नो डैट ग्लॉटिस इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंक्स विच एक्सटेंड्स लीड्स इनटू लेरिंक्स। अच्छा बच्चा, जो उन्होंने हमें बताया कि ग्लॉटिस जो है वो ओपनिंग है जो कि क्या करती है, फ्लोर है फेरिंक्स का विच लीड्स इनटू लेरिंक्स, जो कि लेरिंक्स की तरफ ले जाता है। आगे इसका पार्ट है, आगे वो बता रहे हैं लेरिंक्स इज ए बॉक्स। ये एक बॉक्स है मेड ऑफ कॉटिलेज। बच्चों कॉटिलेज जो है ये हमारी जो बोन है, हमारी बॉडी जो है ना वो दो तरह की चीज़ों से मिलकर बनी है, एक तो बोन है और दूसरा कॉटिलेज है। कॉटिलेज जो है इसको हम लोग कहते हैं कि बोन की निस्बत जो है वो हार्ड नहीं होता, ये बोन की तरह बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, इसके अंदर लचक मौजूद होती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं है। ये जो है ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है कॉटिलेज। आगे है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरिंक्स एंड ट्रेकिया। फेरिंक्स एंड ट्रेकिया के दरमियान जो है ये मौजूद है। चलिए इसको साथ साथ डायग्राम के साथ इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये जो हमारे पास लेरिंक्स की बात कर रहे हैं, ये उन्होंने बताया कि फेरिंक्स और ट्रेकिया के दरमियान मौजूद है। ये हमारे पास फेरिंक्स है और ये हमारे पास ट्रेकिया मौजूद है, यानी इसके दरमियान वाला पार्ट होगा ये। ठीक है, आपको पता है कि मर्दों के अंदर ये जो हमारे नेक वाली साइड पे, अगर हम लोग फ्रंट साइड पे देखें नेक वाला पार्ट, तो मर्दों का मेन के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, लेकिन फीमेल्स के अंदर ये चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स का नाम भी देते हैं। टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लेरिंग्स। अच्छा बच्चों, दो पेयर्स हैं फाइब्रस बैंड्स बने हुए हैं, ठीक है, तो वो जो हैं वो जिनको हम लोग वोकल कॉर्ड्स का नाम देते हैं वो स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं अक्रॉस द लेरिंग्स, लेरिंग्स के साथ। ठीक है, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। वोकल कॉर्ड जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं व्हेन द एयर पासेस थ्रू देम, दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड्स। अब सिंपली उन्होंने क्या कहा है कि ये जो पेयर्स हैं ये स्ट्रेच इन्होंने किया हुआ है लेरिंग्स के साथ, जो है ना ये एक खिंचे हुए अंदाज में मौजूद हैं। तो जैसे ही इसके अंदर से हवा गुजरती है तो इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है, और वाइब्रेशन जब पैदा होती है तब हम लोग जो हैं हमारी साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लेरिंग्स का। तो लेरिंग्स का नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ट्रेकिया का बनता है। तो आपने याद रखना है कि पहला हमारे पास पैराग्राफ बना
नेजल कैविटी का, दूसरा पैराग्राफ हमारे पास फेरेंक्स का बन गया, तीसरा हमारे पास लेरेंक्स का बन गया, फोर्थ पैराग्राफ जो है वो हमारा ट्रेकिया का बन रहा है। तो लेरेंक्स कंटिन्यूस टू ट्रेकिया विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द विंड पाइप, इसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको इधर ही बताया था कि ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग हवा वाला पाइप भी, विंड पाइप भी कह रहे होते हैं। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, बच्चों इसकी लेंथ कितनी होती है ये भी आपको एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकते हैं, 12 सेंटीमीटर होती है, विच लाइज इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस। आपको मैंने बताया कि एसोफेगस जो है वो ये वाला एरिया होता है, लेकिन एसोफेगस इज यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो हमारे पास ग्लॉटिस मौजूद है, तो बच्चों आपने याद रखना है ये किसके सामने वाला पार्ट है, ये है एसोफेगस के सामने वाला पार्ट। देर आर सी शेप्ड कॉटिलेजनस रिंग्स, ये नज़र आ रही हैं आपको सी शेप्ड कॉटिलेजनस रिंग्स, इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। कहा है कि द कॉटिलेजिस कीप्स द ट्रेकिया फ्रॉम कोलेप्सिंग इवन वेन देयर इज नो एयर इन इट। बच्चों ये जो सी शेप्ड चीज़ें मौजूद हैं, सी शेप्ड बैंड्स मौजूद हैं, इनका भी एक कुदरत ने मकसद रखा है। उसका मकसद क्या है कि जब हमारे अंदर किसी किस्म की हवा एंटर नहीं हो रही, फिर भी ये उसको एक दूसरे के साथ जो है वो मिलने से, ख़राब होने से, डिसऑर्डर होने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, अब हम लोग बात कर रहे हैं अपनी चेस्ट कैविटी की तरफ। द ट्रेकिया डिवाइड्स इंटू टू स्मॉलर ट्यूब्स विच इज़ कॉल्ड एज द ब्रोंकाई, ये नज़र आ रहा है आपको आगे जाके ये डिवाइड हो रहा है टू पार्ट्स में। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ब्रोंकाई का। आगे उन्होंने क्या कहा है, द ब्रोंकाई ऑल्सो हैव कॉटिलेजनस प्लेट्स इन देयर वॉल्स, इनके अंदर जो है वो कॉटिलेजनस यानी लचकदार मादा मौजूद होता है इसके अंदर। ठीक है, आगे वो बता रहे हैं Each bronchus enters into lung of its side and then divides into smaller branches. आपको नज़र आ रहा है कि ये जो bronchi है ये अपने अपने respective lungs के अंदर enter हुआ और आगे इन्होंने मज़ीद छोटी छोटी क्या बना दी, शाखें बना दी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है bronchi, हमारे पास next paragraph किसके हवाले से है, bronchi के। bronchi continue dividing in the lungs until they make several fine tubes called bronchioles. ये जो छोटी छोटी शाखें बनी, हमने इन शाखों को क्या नाम दे दिया जी, bronchioles का नाम दे दिया। The bronchioles progressively lose the cartilages as they become narrower. क्योंकि ये शाखें बहुत छोटी छोटी और बारीक बारीक हो जाती हैं आगे जाके, तो बच्चों इसके अंदर फिर जो cartilage है ऑब्वियसली जैसे इनका साइज़ कम होगा, इसके अंदर जो कॉटिलेज की तादाद है, मकदार है, वो भी कम होती जाएगी और ये मज़ीद नैरो से नैरो होती चली जाएंगी। द ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्स कॉल्ड एल्व्यूलर डक्स, वही उन्होंने बता दिया कि ये जो है ये एंड हो रही हैं कहाँ पे जाके, एल्व्यूलर डक्स के अंदर, और एल्व्यूलर डक्स जो हैं इनके अंदर जो है वो एक क्लस्टर ऑफ पॉचेज मौजूद है जिसको हम लोग एल्व्यूलाई का नाम देते हैं। द एल्व्यूलाई फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी, ईच एल्व्यूलस, अगर हम लोग एक एल्व्यूलाई की बात करेंगे, एक क्लस्टर की बात करेंगे या एक पॉच की बात करेंगे, तो हम उसको एल्व्यूलस का नाम देंगे। इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइन बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथीलियल सेल्स, आपने सेल्स की जो है वो सारी पढ़ी हुई है अपनी 9th क्लास के अंदर, तो ये जो एपिथीलियल सेल भी जो इसका एक तरह का सेल है जिससे मिलकर जो है वो एल्व्यूलाई बने होते हैं। इट इज़ बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय नेटवर्क ऑफ कैपलरीज, बच्चों आपको ये इसके अंदर ये कैपलरीज वगैरह नज़र आ रही होंगी। ये आर्ट्रियूल है हमारे पास, ये वाला हमारे पास वेन्यूल है, ये इसके अंदर कैपलरीज आपको नज़र आ रही है। तो उन्होंने वही बताया कि इसके अंदर क्या मौजूद है, कैपलरीज। अब हमारे पास ये जो लास्ट पैराग्राफ है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन अकॉर्डिंग टू द एम सी क्यूज, तो वो कह रहे हैं द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी जो है वो लंग्स के लिए यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है ये वर्ड, फॉर लंग्स। आर्टरी, आर्टरी ऐसी नाली को कहते हैं जो ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ लेकर आती है, तो पल्मोनरी आर्टरी ऐसी वेन या हम लोग कहेंगे कि ऐसी नाली खून की जो दिल से किस तरफ लेकर आ रही है ब्लड को,
लंग्स की तरफ. फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द लंग्स. बच्चों अब आपको पता है कि ऑक्सीजन तो हमारे पास लंग्स के अंदर मौजूद है, ठीक है. तो अगर हमारे पास लंग्स के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है तो जो हमारे पास दिल की तरफ से, हार्ट की तरफ से ब्लड आ रहा है वो तो डी ऑक्सीजनेटेड होगा, लेकिन जैसे ही वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर होगा तो वहाँ से जाके ऑक्सीजन अपने साथ बाइंड करेगा, देन दे विल बिकम ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ब्रांचेज इनटू आर्टरीज एंड देन इनटू कैपिलरीज विच सराउंड द एल्वियोलाई. दीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन्यूल्स विच फॉर्म पल्मोनरी वेन. द पल्मोनरी वेन कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू हार्ट. वही उन्होंने बात कर दी कि जब यहाँ पे खून लंग्स के अंदर आएगा तब वो कंबाइन कर लेगा, जब वो ब्लड कंबाइन करेगा तो क्या होगा कि वही ब्लड जो है जब वापस दिल की तरफ जाएगा तो वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. ये टॉपिक दिखने में मुश्किल है लेकिन वैसे अगर आप लोग इंटरेस्ट लेके याद करेंगे तो बहुत मज़े का टॉपिक है. और इसको बच्चों आपने अच्छे से करना है क्योंकि ये आगे जाके भी इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ बायो स्टूडेंट तो ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा. तो इसको आप लोगों ने अच्छे से करना है, इसके आप पॉइंट्स बना लें, ठीक है. पॉइंट्स जब बन जाएंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा. आपको अगर इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं उसको इंशाल्लाह जितना हो सका मैं उसको और इजी वे में एक्सप्लेन करूँगी. इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो कि हमारा लंग्स का होगा. तब तक अपना ख्याल रखें. अल्लाह.